से सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन सरकार की इस मंशा पर भ्रष्टाचारियों की नजर लग चुकी है। ललितपुर के एक गांव में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवार के सिर पर छत मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना से गरीबों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली, क्योंकि आज के दौर में अपना मकान होना एक बड़ी बात है। लेकिन गरीबों के इस सपने पर भ्रष्टाचारियों की नज़र लग चुकी है। सरकार के इस सपने को सरकारी तंत्र और ग्राम प्रधानों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। ताजा मामला ललितपुर के एक गांव सतरमास का है, जहां ग्रामीणों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवास आज भी अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के पति और बेटे ने धोखाधड़ी करके आवास के नाम पर प्रति आवास 2,000 रुपये वसूल किए हैं। इतना ही नहीं, अपात्रों से 20,000 रुपये रिश्वत लेकर पात्रों की सूची में डाल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे इस भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है। प्रधान को लड़का आया तो उसे पैसा निकालने करवा के। कितना पैसा निकाल लिया? कौन था? 20,000 निकाल लिया। जान अपनी हाथे के है, सो हम उठा कर दे तो ये पैसा निकाल लेंगे, धोखे से निकाल लेंगे। न्यूज बुंदेलखंड के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।